on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज एक्सट्रीम 125 आर में जो हमने मॉडिफाइड किया फुल, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसकी क्वालिटी हमने बहुत सारे चीज चेंज कर दिया, जो प्लग एंड प्ले सिस्टम हो गया और इसके लुक भी बहुत अच्छा हो गया हुआ, जो आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर लगवाना है तो मेरे शॉप पे आके फिटिंग भी करवा सकते हो, अगर मंगवाना है तो मंगवा भी सकते हो, और जैसे प्राइस वगैरह पूछना है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। लेकिन कॉलिंग टाइम होगा सुबह 10 बजे के बाद, जब मर्जी कॉल कर लो, और रात को 10 बजे से पहले जितने मर्जी पहले आप कॉल करके बातचीत कर सकते हो। और देर ना करते पहले मैं दिखा दूँ, जो एक्सट्रीम हमारा पूरा फुल मॉडिफाइड होके रेडी होने के बाद कुछ ऐसा लुक आ जाता है हमारा। पहले तो मैं दिखाऊँ जो क्रैश गार्ड हमारा है, क्रैश गार्ड हमारे पास 2 मॉडल अवेलेबल हो गया। ये आपका सबसे हेवी वाले क्रैश गार्ड हो गया, और इसमें आपको एग्जैक्ट फिटिंग, जैसे प्लग एंड प्ले सिस्टम जो होता है ना, एक फिटिंग हमारा यहाँ आ गया, दूसरा हमारा यहाँ आ जाता है, और तीसरा फिटिंग यहाँ आ जाता है। और दूसरी बात है किक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किक का हमने सारा जो कंडीशन था, जो चिपक जाता था, कुछ होता था, वो सब हमने हटा दिया, और इससे लुक भी हेवी हो जाता है। जैसे और कोई क्रैश गार्ड अगर लगवाते हो, जैसे कि जुगाड़ करके हो, हमारे पास तो जुगाड़ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे पैर में लगता है, हमने ये ध्यान रखा है, जैसे आप ब्रेक वगैरह लगाते हो तो हमारा इतना गैप है जो आपको जो घुटने में ये क्रैश गार्ड ना लगे, ये सब चीज़ हमने ध्यान रख के हमने क्रैश गार्ड बनवाया है। और इसकी लुक भी आप देख सकते हो ज़बरदस्त, आप देख सकते हो, लंबे रूट पे जाओगे तो यहाँ पैर रख के भी आप जा सकते हो। और मजबूती की बात करें तो ये सब देख सकते हो, मैं भी खड़ा हो गया इस पर, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा क्रैश गार्ड हमारा है। आप चाहो तो दूसरे साइड से भी बंदा दूसरे को भी खड़े करके चेक कर सकते हो कि इतना हेवी क्रैश गार्ड हमारा। और नेक्स्ट आइटम जो हमने लगाया वाइजर, ये देख सकते हो, ये भी प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जैसे कंपनी फिटेड, 2 नट खोलो और लगा दो, और इसमें आपको नंबर प्लेट भी नीचे नहीं लगाना, अगर चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो और चाहो तो अपना यहाँ भी लगा सकते हो, आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ये हमारा वाइजर का। और नेक्स्ट हमारा आ गया लेडीज फुटरेस, जो लेफ्ट एंड राइट दोनों हमारे पास मिल जाता है, जो हमने लेफ्ट राइट इसलिए लगाया कि इस पे साइलेंसर पे हम पैर वगैरह ना रखें, इसी पे आप साइलेंसर पे पैर नहीं आएगा, और इसी पे आप अपना एग्जैक्ट पैर हमारा आ जाता है, और लंबे रूट पे जाओगे तो बहुत कंफर्ट होने वाला है आपका। ये आपका राइट का हो गया, और लेफ्ट का भी आप देख सकते हो, दोनों साइड में आपका सेम आ जाता है ये लेडीज फुटरेस्ट। और हमारा आ गया ये सैडल स्टे, जो प्लग एंड प्ले सिस्टम, एक हमारा फुटरेस्ट से अटैचमेंट है, दूसरा हमारा जो हमने टॉप रैक लगाया है वो, और तीसरा हमारा जो है ना, यहाँ से मैंने टॉप रैक में ही अटैचमेंट कर दिया, जो इस पर आप चाहो तो 5 से 10 किलो का वजन आप डाल सकते हो, जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। और टॉप रैक जो हमने लगाया है, जो आप देख सकते हो, हमारा सीट हैंडल था कि हम साइड स्टैंड लगाने, जैसे मेन स्टैंड हम लगाते हैं ना, तो हमें सीट हैंडल का जो यूज करते थे, अब इसी के चक्कर में हमने ये ऐसा बनाया, जैसे आप चाहो तो जैसे मेन स्टैंड हटा सकते हो, लगा सकते हैं, ये समझो यूज हमारा यहीं आने वाला है। और इसका फिटिंग का भी मैं दिखा दूँगा कैसा है, हमने खासकर ये ध्यान रखा है, जैसे हमारा सीट जो है ना, और सब जैसे आप टॉप रैक बनवाते हो तो सीट हमारा पूरा कम बैठता नहीं था, और हमने जो बनाया ये प्लग एंड प्ले सिस्टम, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ये देख सकते हो, सीट के लिए स्पेशल हमने ये बना रखा है, ये जो खांचे वगैरह टोटल बनाया, और प्लग एंड प्ले जो कंपनी का नट खुला उसी पर हमने टाइट किया है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया, प्लग एंड प्ले सिस्टम बिल्कुल हमारा ही आ जाता है। और सीट कवर भी हमने लगाया है प्लेन ब्लैक वाटरप्रूफ में, जो आपका जैसे बाय द वे कोई नाखून मारता हो चाहे कुछ भी हो, कट पट नहीं लगे, और हमारा सीट बिल्कुल सेफ रखे है। सो गाइस नेक्स्ट आइटम हमने लगाया है जो टायर कवर, जो देख सकते हो लगेगा कि आपने कंपनी से ही आया है, एडजस्टमेंट नहीं किया हो, लेकिन ये देख सकते हैं हमने अपने पास से लगाया है, और फुल हमारा कवर हो जाता है, जो कीचड़ हमारा जो जैसे झूले वगैरह पे पूरा आता था वो अब हमारा नहीं आएगा, ये देख सकते हो पूरा कंपनी के फिटिंग के जैसा हमारा हो गया, जब दिल करे चाहो तो हटा सकते हो, जब दिल करे आप लगा सकते हो। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं, जैसे हम पीछे का टेल टाइड ही हटा के छोटे टेल टाइड लगाएंगे, थोड़ा लुक और चेंज करने वाले हैं। और इसका फोक लैम्प भी हमारे पास आ गया, और फोक प्रोटेक्टर हो गया, जो हमारा यहाँ पर लग जाता है, जो फोक प्रोटेक्टर मडगार्ड बचाने के लिए, फोक स्लाइडर यहाँ डिस्प्ले वगैरह बचाने के लिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, सारे आइटम इसके पास हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा एक्सट्रीम जो आया हुआ लेमिनेशन हो रहा, वो भी मैं आपको दिखा दूँ,
लेमिनेशन कौन सा हम कर रहे हैं। सो गाइस देख सकते हो थ्री लेयर हमारा लेमिनेशन भी हो रहा है जो अपना स्टीम पे ही हो रहा है, और भी क्रेस गार्ड वगैरह इसमें लगने वाला वो मैं आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और फॉग प्रोटेक्टर और फॉग स्लाइडर का अगर वीडियो देखना है लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके देख सकते हो। सो ये था हमने जो एक्सट्रीम में मॉडिफाइड किया वो, और प्लस भैया हमारे है ना गाजियाबाद से हैं, भैया से ही बात करते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनीश है। अच्छा ये अवनीश भैया हमारे, और दूसरी बात है आपने आप कैसे आपको यहाँ का जैसे लिंक मिला? मैं एक रास्ते में जा रहा था तो एक भैया ने मेरे को बाइक पर, उनकी बाइक पर मैंने क्रैश कार्ड लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। उनसे पूछा मैंने तो मैंने, उन्होंने बताया कि मैंने रफ एंड टफ से लगवाया। अच्छा। उन्होंने मुझे चैनल बताया, मैंने सब्सक्राइब करके यहाँ पर आया हूँ। तो ये भैया हमारे जो है ना चैनल का वीडियो भी देख के आए, और दूसरी बात है वो दूसरे भैया हमारे जो है ना काम करा के गए थे, तो उनको भी जो काम जब अच्छा लगा तब उन्होंने बोला कि हाँ वहीं पर जाना है रफ एंड टफ पे और काम कराना है। ये ऐसे ही भैया जो उनसे बात करके फिर आए हमारे पास, ऐसे ही था ना भैया? और दूसरी बात है काम कैसा लगा वो छोड़ो, आप तो दूसरे को भेजे थे चाहे आपका सब्सक्राइब यूट्यूब से आए हो, पहले यहाँ पे काम कराने आए हो तो कैसा लगा काम ये बताओ। हाँ बिल्कुल बढ़िया था, और अब बाइक लग भी रही है, पहले बिल्कुल खाली खाली लग रही थी, अब मस्त भी लग रही है। और ये है कि अब मॉडिफाइड करवाने के बाद आपको लगता है कि हाँ पूरी बाइक हमारी हैवी हो जाती है, और आप ये देख सकते हो, और चाहो तो मेरे शॉप पे आके लगवा भी सकते हो, मंगाना हो तो मंगा भी सकते हो, कुरियर के जरिए आप मंगा सकते हो। सो भाई ये था हमने जो मॉडिफाइड किया, और भी कोई भी बाइक हो चाहे नई बाइक जो अभी लॉन्च कर रही है ना वो भी अगर आप आपके पास अगर है मेरे पास आके, अगर मेरे कहीं मार्केट में सामान भी ना मिले मेरे शॉप पे आके बोलोगे क्रैश गार्ड बनवाना है तो वो भी मैं बनवा दूंगा, सैडल स्टे टॉप रेक कुछ भी अगर बनवाना हो बनवा सकते हो, अगर मेरे पास नहीं होगा तो अगर बनवाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो जो भी प्रोडक्ट है वो सब मिलेगा, और मेरे शॉप पे आके करा सकते हो। ये था नेक्स्ट टीम का, और भी जो मैंने बताया था आप आ सकते हो, और आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।